मार्केट्स में थोड़ी बहुत तेजी इसलिए है क्योंकि जैक्सन होल का मीटिंग में अनुमान है कि जो कमेंट्री पॉवेल साहब ने की है वहीं पे ओवरऑल कंसेंसस मेंटेन किया जाएगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इन द नियर टर्म अभी सितंबर में किस प्रकार का रेट हाइक आता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट्स के लिए। ओवरऑल हमको ये भी लग रहा है कि मार्केट्स में काफी शॉर्ट्स बिल्टअप हो चुके थे, उसकी कवरिंग भी हो चुकी है, तो उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट्स में इंडेक्स के मूवमेंट में दिख रहा है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई तो डेफिनेटली मार्केट टच करेगा, बट उसके बाद कितना सस्टेन होता है वो डिपेंड करेगा कि सितंबर में रेट हाइक कितना आता है। और ऑब्वियसली सितंबर में रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा बहुत गैस सप्लाईज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई डिस्ट्रप्शन आता है तो उसमें मार्केट्स डेफिनेटली इसको कॉशियसली व्यू करेगी। तो ओवरऑल आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेना ही ठीक रहेगा। ओवरऑल मार्केट्स का हेल्थ तो अच्छी है, बट जो भी अपसाइड आएगी वो डेफिनेटली ये दो ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहेगा। तो तब तक मेरे ख्याल से निवेशकों को आई थिंक फोकस स्टॉक्स पे करना चाहिए क्योंकि अभी भी मार्केट्स में काफी अच्छे सेक्टर्स और स्टॉक्स अवेलेबल है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड इनके फेवर में। देखिए मुझे लग रहा है कि आईटी कंपनीज में एटलीस्ट अगले 2 या 3 क्वार्टर्स थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे क्योंकि यूएस के जो दूसरे क्वार्टर के आंकड़े आ गए हैं जीडीपी के, वहाँ वो भी दिखा रहे हैं कि नेगेटिव ग्रोथ रहेगा। तो ऑब्वियसली ऐसा अगर होता है तो यूएस मार्केट्स में से जो भी इंक्रीमेंटल बिजनेस है वो इंडियन आईटी कंपनीज को इतना जल्दी आसानी से मिलेगा नहीं। प्लस अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी काफी बड़े क्रेडिट चैलेंजेस है, तो मुझे लग रहा है कि इन द शॉर्ट टर्म स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। ऑलरेडी इनके बाइंग प्राइस से स्टॉक थोड़ा सा निचले लो जरूर दिखा चुका है, लेकिन अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। अगर एवरेज भी करना है तो टाइम फ्रेम लंबा रखिए, बिकॉज सबसे बड़ी बात इन्होंने मार्जिन गाइडेंस काफी अच्छा दिया है, करीबन 21% का मार्जिन गाइडेंस दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी कैश रिच है और ऑब्वियसली ऐसे चैलेंजेस को वो फेस कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इनको अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगी। तो अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो ही एवरेज करिए और कम से कम 12 to 15 months का टाइम फ्रेम रखिए, तभी आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। देखिए ग्लैंड फार्मा में पिछला क्वार्टर खराब था लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव और रीअश्योरिंग थी। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है यूएस मार्केट्स में इनको ओवरऑल साइड दिख रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें, जल्दबाजी ना करें निकलने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगले 12-15 महीने में होपफुली यूएस मार्केट्स में इनको अच्छी अपसाइड बिजनेस के लिए मिलेगी। तो ओवरऑल आई थिंक इट इज बेटर टू होल्ड। देखिए मुझे लग रहा है इनकी बाइंग प्राइस तो अच्छी है क्योंकि जब ये लॉक इन के शेयर्स फ्री हो गए थे तभी आपने सही कहा कि बड़े निवेशक जैसे फिडेलिटी ने भी यहाँ पे स्टेक इनका यहाँ पे इंक्रीज किया है, तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट डेफिनेटली इस काउंटर में आ चुका है। और मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी बात जो मार्केट को पसंद आई है वो ये है कि इनका जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है वहाँ पे उन्होंने ब्रेक इवन अचीव किया है। तो आने वाले क्वार्टर्स में होपफुली अगर ये सस्टेन होता है तो डेफिनेटली कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। हालांकि अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पॉजिटिव आने के लिए हो सकता है कि शायद 1-2 साल लगेंगे, बट ओवरऑल एटलीस्ट ऑपरेटिंग लेवल पे तो पैसा बन रहा है। मुझे लग रहा है कि इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो अच्छी खासी कमाई होगी। और मुझे लग रहा है कि देखिए प्राइस टारगेट्स देना डिफिकल्ट रहेगा, बट मुझे लग रहा है कि अगर एवरीथिंग गोज वेल तो कम से कम आईपीओ का प्राइस जो करीबन 72 या 76 रुपीज था वो तो पहले इजिली अचीव होगा। तो मेरे ख्याल से परसेंटेज टर्म्स में तो वो भी एक अच्छा अपसाइड रहेगा, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। बट यहाँ पे डेफिनेटली बड़ा अपसाइड प्रॉफिटेबिलिटी आने के बाद ही आएगी, जो ऑब्वियसली मार्केट्स काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए कैनरा बैंक की अगर हम बात करें तो कैनरा बैंक के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि FY23 तक उनका आरओई काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, करीबन 14-15%। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस अभी Q1 में आया है डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में ट्रैक्शन और भी तेजी से बढ़ेगा। एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, लोन बुक ग्रोथ भी अच्छा है, तो इनका जो होल्डिंग है मेरे ख्याल से इन्होंने 205 में लिया है, कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी कमाई के लिए जगह है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरा जो सवाल था श्रीराम प्रॉपर्टीज पे, देखिए श्रीराम प्रॉपर्टीज अभी भी अपने पब्लिक इशू के प्राइस से नीचे चल रहा है। ये कंपनी एक छोटी रियल एस्टेट कंपनी है जो ज्यादातर बैंगलोर मार्केट में ऑपरेट करती है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल है तो ही यहाँ पे निवेश करिए, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स है जैसे कि शोभा है, ब्रिगेड है, प्रेस्टीज है, ये मुझे लग रहा है कि ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड देने की कैपेसिटी रखते हैं क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स काफी बड़े हैं। तो श्रीराम प्रॉपर्टीज में अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड आपके तरफ मुड़ाना है तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, बिकॉज अंडर परफॉर्मेंस अभी दिख रही है, अंडर आउट परफॉर्मेंस के लिए शायद 12 to 18 months का टाइम फ्रेम यहाँ पे रखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली वन कैन होल्ड ऑन।
नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस एक बीपीओ कंपनी है और यू नो आईटी का सेक्टर से ही रिलेटेड है. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कंपेयर टू फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज प्रेशर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये वैसे भी कंपनी यू नो कम मार्जिन पे काम करती है और इनकी बैलेंस शीट अगर आप देखें तो इतनी स्ट्रांग नहीं है अगर हम इनको HCL Tech या Infosys या TCS से कंपेयर करें. तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी कम से कम अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए तो अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगी. इनके लिए दिक्कत है कि इन्होंने बहुत ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है. तो मेरी राय में अगर ये चाहे तो दूसरे कोई सेक्टर्स में ये स्विच कर सकते हैं. मेरे ख्याल से ऑटोमोटिव या ऑटो कंपोनेंट्स या कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स है वहां पे निवेश के मौके बन सकते हैं. मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स में अगर ये कोई अच्छा सस्ता शेयर देख रहे हैं तो BHEL एक अच्छा विकल्प हो सकता है. अगर यू नो थोड़ा सा फ्रंटलाइन प्राइवेट सेक्टर में कैपिटल गुड्स चाहिए तो L&T देख लीजिए. बट डेफिनेटली फर्स्ट सोर्स में लग नहीं रहा है कि कोई बड़ी अपसाइड आएगी, तो स्विच करेंगे तो थोड़ा सा यू नो इनका जो लॉस है वो रिकवर कर पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, तो देखिए आने वाले कुछ समय तो जो नजरिया है वो इतना अच्छा नहीं है, बट कुछ ऐसे सेक्टर्स जो कि आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं उनमें से कुछ काउंटर्स भी अविनाश जी आपको राय दे रहे हैं. सबसे पहले BHEL, आज जबरदस्त मूव देखने को मिला है इस काउंटर में, वहां पे आप नजर रख सकते हैं. और L&T कैपिटल गुड स्पेस में दिग्गज, यहाँ पे 1% की आज तेजी है, यहाँ पे भी आप अपना नजरिया बना सकते हैं. पहली बात तो सृष्टि वाटर बेस सी फूड में काम करती है और सी फूड का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है इंडिया से वो काफी सिग्निफिकेंट है. मुझे लग रहा है अगर आप बाकी सारी कंपनीज देखें, एपेक्स देखिए या अवंती फीड्स देखिए, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं US मार्केट्स में अभी वापस रिकवरी दिख रही है और US इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है. हालांकि अभी US मार्केट्स में भी रिसेशन की बातें चल रही है, बट ओवरऑल जो सी फूड सेगमेंट है वहां पे पिछले 3-4 महीनों से करीबन 25-30% का ग्रोथ देखने को मिला है. तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा इंतजार करे, मेरे ख्याल से ऑलरेडी काफी समय से ये होल्ड कर रहे हैं, बट अगर ये कम से कम साल भर का नजरिया रखते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है. वाटर बेस भी एक इंटीग्रेटेड सी फूड प्लेयर है, फीड भी बनाता है प्लस एक्सपोर्ट भी करता है श्रिम्प्स का, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा. बट आई थिंक टाइम फ्रेम नीड्स टू बी एटलीस्ट 6-12 मंथ्स, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन. मुझे लग रहा है कि अच्छे दिन सी फूड एक्सपोर्ट्स के लिए आएंगे तो डेफिनेटली वाटर बेस के शेयर में भी अच्छा इजाफा मिलेगा. पर अविनाश जी क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनको थोड़ा सा प्रॉफिट तो जरूर हो रहा है, बट क्या एक समय पे जहाँ पे 1500-1600 के प्राइस पे ये काउंटर चलता था, क्या उन स्तरों की उम्मीद फिर से लगाएं HDFC बैंक में? नहीं बिल्कुल, देखिए पहली बात तो HDFC बैंक का जो शेयर है वो अभी सभी को पता है कि जो प्रपोज्ड मर्जर है HDFC का उसकी प्रक्रिया अभी भी यू नो इन प्रोसेस है. मुझे लग रहा है कि देखिए ये तो मार्जिनल प्रॉफिट है, लेकिन अगर हम अगले साल 1.5 साल की बात करें जब बैलेंस शीट कंसोलिडेट होगी, ये मर्जर फाइनली यू नो अप्रूव होगा, तो उसके बाद जो ग्रोथ HDFC बैंक को मिलेगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि HDFC के जो यू नो शेयर होल्डर्स है और जो कस्टमर्स है वहां पे बैंकिंग रिलेशनशिप यू नो करने की पोटेंशियल इस मर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा. ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में हम देखें तो क्रेडिट ग्रोथ यू नो 13-14% हो चुका है, तो डेफिनेटली ये नॉट ओनली HDFC बैंक बट सारे बैंकों के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि कॉर्पोरेट कैपेक्स अभी वापस शुरू हो चुका है. तो मुझे लग रहा है जो 1500-1600 की जो लेवल्स है उससे भी कहीं ज्यादा अपसाइड आपको HDFC बैंक के शेयर में मिलेगी, प्रोवाइडेड कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखें, क्योंकि देखिए नंबर जो भी Q1 के आ गए काफी अच्छे थे. मेरे ख्याल से ऐसे चैलेंजिंग एनवायरमेंट में भी इन्होंने कभी भी अपना ग्रोथ स्लो डाउन नहीं किया है. मर्जर के बाद और भी अच्छे दिन आएंगे, बट डेफिनेटली टाइम फ्रेम लंबा रखिए, क्योंकि अभी तो कंसोलिडेशन का प्रोसेस चल रहा है. कहीं ना कहीं मार्केट इंतजार करेगा कि ये मर्जर फाइनल हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाए, और उसके बाद आपको शेयर में रेटिंग देखने को मिलेगी. नहीं मुझे लग रहा है कि देखिए अडानी पावर इन्होंने बहुत ही अच्छे प्राइस पे एंटर किया है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तो मुनाफा वसूल करना चाहिए, क्योंकि सभी यू नो इन्वेस्टर्स को पता है कि अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है वो कर्जा है. सारे बिजनेसेस में कर्जा काफी ज्यादा है और उसलिए बिजनेस डेफिनेटली थोड़ा बहुत यू नो वन हैज टू सी विद अ लिटिल बिट ऑफ कॉशन. बट ओवरऑल अडानी पावर की बात करें तो अभी ऊपर जाने के बाद स्टॉक में एक बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिला है. हो सकता है कि इन द शॉर्ट टर्म थोड़ा सा सेलिंग अभी भी आ जाए,
बट ओवरऑल जो क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस Q4 और फर्स्ट क्वार्टर के आ गए उसमें कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिखाई है। पावर जनरेशन के कंपनीज में बहुत ज्यादा यू नो मार्केट में रिस्क एपेटाइट बढ़ा है, यू नो मार्केट्स में ये स्टॉक्स काफी पसंद है और पावर जनरेशन में डेफिनेटली अडानी पावर भी काफी अच्छा करेगा। तो करीबन 25-30% जो क्वांटिटी है एक बार यू नो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बैलेंस होल्ड कर लीजिए। हमारा मानना है कि FY23 शुड ऑल्सो बी अ स्ट्रॉन्ग ईयर, बट जिस प्रकार का इनका रिस्क रिवॉर्ड है, इन्होंने काफी पैसा बनाया है, मेरे ख्याल से थोड़े से पेपर प्रॉफिट्स अगर ये एक्चुअल पैसा कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली इनको यू नो इस इन्वेस्टमेंट से काफी फायदा होगा। है पर क्या करना चाहिए दोनों ही काउंटर्स में? देखिए भारत डायनेमिक्स एक वेल नोन डिफेंस प्लेयर है, एयर टू सरफेस मिसाइल्स बनाती है और सबसे बड़ी बात इन्होंने अभी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करना शुरू किया है। करीबन 8,000-8,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। मुझे लग रहा है कि इस कंपनी में ये पोजीशन यहाँ पे होल्ड करे तो अच्छा रहेगा क्योंकि मैनेजमेंट की कॉमेंट्री Q1 के बाद बहुत स्ट्रांग है। हमारा मानना है कि इस साल यू नो कोविड ना होने के कारण नॉर्मल सी होगी और ऑब्वियसली ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री काफी स्ट्रांग रहेगी। तो मेरे ख्याल से नॉट ओनली मार्जिन्स बट रेवेन्यू ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग रहेगा क्योंकि ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 950,000 रुपए का भी एक मीडियम टर्म टारगेट पॉसिबल है। तो भारत डायनेमिक्स में जरूर होल्ड करिए क्योंकि ये सेक्टर फ्लेवर में भी चल रहा है प्लस विजिबिलिटी अच्छी है। और अगर BSE की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए BSE में अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो ये ज्यादातर एक डियोपोली बिजनेस है क्योंकि हमारे कंट्री में सिर्फ 2 एक्सचेंजेस है BSE और NSE। और जिस प्रकार का अभी एक्शन NSE के IPO के बाद आएगा तभी डेफिनेटली BSE का स्टॉक वापस एक्शन में आना चाहिए। प्लस दूसरे जो ट्रिगर्स है BSE के लिए वो उनका म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है जो यू नो काफी रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि वहां पे कोई वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लीजिए, BSE में जरूर अपसाइड आएगी बट डेफिनेटली एक स्लो मूविंग स्टॉक है बट डेफिनेटली इसमें पैसा अच्छा बनेगा। तो कीप अ टाइम फ्रेम ऑफ 12-18 मंथ्स आई वुड सजेस्ट यू नो टू होल्ड ऑन। देखिए पहली बात तो इंडस टावर एक सबसे बड़ा यू नो टावर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है जो टेलीकॉम कंपनीज यूज करती है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी 5G का रोल आउट होने वाला है आने वाले 1-2 सालों के लिए डेफिनेटली जो टावर इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनियां है उनको काफी फायदा होगा। कहीं ना कहीं नेटवर्क का यू नो अगर यूज करना है तो इंडस टावर्स का नेटवर्क जो है टावर्स का वो सबसे बड़ा है, एक सबसे बड़े प्लेयर है इस फील्ड में। तो मुझे लग रहा है कि इनको नजर ये थोड़ा सा लंबा रखना चाहिए। कंपनी काफी वेल मैनेज्ड है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की इंटरेस्ट स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस का है, FIIs का है, लोकल PMSs का है तो इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं कि इसके शेयरहोल्डर्स की क्वालिटी भी अच्छी है, ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है और टेलीकॉम सेक्टर में हम देख ही रहे हैं कि प्राइसिंग पावर आ गया है, यू नो ARPUs बढ़ गए हैं प्लस ये जो 5G का रोल आउट आएगा तभी डेफिनेटली टावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की डिमांड और बढ़ेगी क्योंकि नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। तो मेरा कहना है कि अगर कम से कम 1-1.5 साल का ये टाइम फ्रेम रखते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा बनेगा, इनकी क्वांटिटी भी काफी बड़ी है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म नहीं बट एटलीस्ट मीडियम टर्म व्यू लेके यहाँ पे उनको होल्ड करना चाहिए।